डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? दिस इज आंसर नंबर 5, राइट? इसमें हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ लार्वल स्टेज, ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ लार्वल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ सेट टू अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। थिंग इज, जो ऑर्गेनिजम्स के पास एक लार्वल स्टेज होती है अपनी लाइफ में, तो वो ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से बड़े होते हैं। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई, जो एक बटरफ्लाई है, दैट बटरफ्लाई हैज अ लार्वल स्टेज। उस बटरफ्लाई का एक लार्वल स्टेज था। फॉर एग्जाम्पल, इसका लार्वल स्टेज था कैटरपिलर। तो बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर बनती है एंड देन इनटू अ बटरफ्लाई, राइट? तो दैट मींस ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जब ये बटरफ्लाई स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी, ऐसी डेवलपमेंट कहलाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस को अगर तुम देखो, जैसे ह्यूमन बचपन में होता है वैसे ही बड़े होके होता है, उनका कोई लार्वा स्टेज नहीं होता, ठीक है? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर एक लार्वा स्टेज हो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट। तो अब अगर हम बात करें कि इसके बीच में डिफरेंस करो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कैन वी डू इट? यस। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट स्टेज में लार्वल लार्वल स्टेज इज एब्सेंट एंड इन इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। ठीक है, देन इनके अंदर एक स्पेशल चीज होती है, दैट इज कॉल्ड दी मेटामॉर्फिज्म। इज एब्सेंट, मेटामॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट, मेटामॉर्फिज्म होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्या दिखाए, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, एक्सटर्नल फीचर्स। व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म? मेटामॉर्फिज्म इज When an organism show different morphological forms at different stages in lifetime, एक लाइफ में ऑर्गेनिज्म अलग अलग करेक्टर्स दिखाए तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, यू टेल मी, इज दिस क्लियर, येस और नो? तो बटरफ्लाई जो है, दैट इज शोइंग, इसकी एग्जाम्पल लिख लेंगे थर्ड पॉइंट में।
इसका एग्जांपल है डायरेक्ट का डेवलपमेंट का, मैमल्स, बर्ड्स, मैमल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में फ्रॉग, ठीक है, बटरफ्लाई, ठीक है। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर।